नमस्कार दोस्तों, यदि आप कहीं ना कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एक वाटरफॉल्स में जाना सबसे अच्छा है। यह आपको अनंत सुख के साथ ही नहीं बल्कि आपके दिल में भी संतुष्टि प्रदान करेगा। भारत इतने खूबसूरत और आश्चर्यजनक झरने के साथ आशीष देता है और आप किसी ऐसी जगह की अपनी अगली यात्रा की योजना बना सकते हैं। आज हम भारत के 10 हाईएस्ट वाटरफॉल्स के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 जोग फॉल्स। जोगा फॉल्स या जोगादा गुंडी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये खूबसूरत झरना कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के सारागा तुलाकिन के पास स्थित है। इसे खंडित झरने के रूप में जाना जाता है जो बरसात के मौसम पर निर्भर है और फिर एक झरना में परिवर्तित हो जाता है। ये भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षक स्थलों में से एक है। ये शरावती नदी द्वारा 253 मीटर की दूरी पर गिरता है, जिससे जोग फॉल्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा डुबकी वाला झरना है। इस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर झरना की विशेषता है यह है कि वे तेजी से पानी के झुकाव में तेजी से बहते हैं। यह हमेशा एक संकीर्ण धारा से शुरू करने के लिए जाना जाता है। नंबर 9 बारकाना फॉल्स। शिमोगा जिले के अगुम्बे के पास एक और सुंदर झरना। ये भारत का 9वां सबसे बड़ा झरना है, लेकिन ये केवल बरसात के मौसम में चालू है। ये एक खूबसूरत साइट है। ये पश्चिमी घाट के घने जंगल से भी जुड़ा हुआ है। इस झरने की कुल ऊंचाई 259 मीटर है और सीता नदी के जल क्षेत्र द्वारा बनाई गई है। नंबर 8 थलैयर फॉल्स। इसे रेड टेल फॉल्स भी कहा जाता है और दक्षिणी भारत तमिलनाडु राज्य के दीन दुगल जिले के पलानी पहाड़ियों में स्थित है। ये 297 मीटर लंबा है और तमिलनाडु की सबसे ऊंची पानी का झरना है। भारत का 8वां सबसे बड़ा झरना और दुनिया के उच्चतम झरने में 267वें स्थान पर है। ये यात्रियों को एक अद्भुत और रोमांचकारी हाइकिंग अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि इस स्थान पर इस तरह की कोई सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये खतरनाक भी है। हाइक के दौरान आप आम बागों का पता लगा सकते हैं और देवी कामाक्षी के एक छोटे से मंदिर का पता लगा सकते हैं। ये मंचला नदी के पानी का स्रोत है। नंबर 7 मेनमट्टी फॉल्स। मेनमट्टी दो मलयालम शब्दों का एक मिश्रण है, जिसका मीन अर्थ मछली है और मट्टी जिसका अर्थ अवरुद्ध है। केरल के वायनाड जिले में कल्पेट्टा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ये अजीब सुंदर फॉल्स स्थित है। ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बरसात के मौसम में बहुत सक्रिय है और कई लोग भी डूब गए हैं और घातक दुर्घटनाओं से मिले हैं। 300 मीटर की ऊंचाई पर ये झरना 3 टायर झरने की श्रेणी में गिर रहा है। नंबर 6 किनरिम फॉल्स। थंगकरंग पार्क मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में चेरापुंजी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत के उच्चतम झरने में से एक है। 305 मीटर से गिरते हुए ये जगह वनस्पतियों और जीवों की विशेष प्रजातियों का घर है। पानी अलग अलग स्टेप्स के अनुक्रम और 3 टायर झरने की श्रेणी में गिरता है। भारी धुंध, कोहरे और घना जंगल इन खूबसूरत गिरने की चारों ओर आकर्षक बनाता है। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवश्य देखना चाहिए। नंबर 5 दूधसागर फॉल्स। भारत के इस अद्भुत और सबसे ऊंचे झरने की ऊंचाई 320 मीटर है और इसका जल स्रोत मंदवी नदी है। ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित ये 4 टायर झरना है। ये खूबसूरत भव्य जीव विविधता के साथ घने पनप्राणी वनस्पति द्वारा संलग्न है। आमतौर पर मानसून और बारिश के दौरान गठित होते हैं। ये झरने पानी का एक विशाल बल बनाते हैं। इसके अलावा दूधसागर ट्रेक को मत भूलो, जहां आप इस अद्भुत पानी के गिरने की वनस्पति और जीवों का पता लगा सकते हैं। ये जगह आसानी से सड़क के माध्यम से पर्यटक द्वारा पहुंचा जा सकता है। नंबर 4 नोसोनगिथांग फॉल्स। लोकप्रिय रूप से सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स या मसमाई फॉल्स के रूप में जाना जाता है, मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में मसमाई गांव में स्थित एक खंड वाला झरना है। 315 मीटर की ऊंचाई से पानी की कैस्केड। ये भारत का 4था सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झरना है। इस झरने की औसत चौड़ाई 70 मीटर है। बरसात के मौसम में आमतौर पर पानी गिरता है और जब सूरज की रोशनी में उभर जाता है तो यह एक इंद्रधनुष प्रकार का पिजमीय स्वरूप बनाता है, जिससे वातावरण को फिर से ताजा आश्चर्यजनक दिखाता है। उत्तर पूर्व भारत ऐसी कई शानदार झरने का घर है जो आसानी से सुलभ हो सकता है। आप वहां पहुंचकर वहां ट्रेकिंग कर सकते हैं और प्रकृति के खूबसूरत जगहों का आनंद उठा सकते हैं इन फॉल्स के पास।
नंबर 3 नोहा कलिकाई फॉल्स। भारत में 340 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा झरना यह भारत के 10 उच्चतम झरने में से एक है। वाटरफॉल चेरापुंजी के निकट स्थित है। नोहा कलिकाई फॉल्स बारिश के पानी से उत्पन्न होती है जो दिसंबर से फरवरी तक सर्दियों और सूखे मौसम के दौरान मध्यम छोटे पत्थर की शिखर पर एकत्र की जाती है और बल में कम हो जाती है। इसके नीचे एक असामान्य रूप से हरा रंग का पानी पुल मिल जाएगा। इस गिरने का नाम का अर्थ जंप ऑफ कालिकाई है। नंबर 2 बरेही पानी फॉल्स। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित दो टायर वाले झरने मयूरभंज के सिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित है। ये 399 मीटर की ऊंचाई पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। ये सुंदर जंगलों और वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। नंबर 1 कुंचिकल फॉल्स। 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कर्नाटक के शिमोगा जिले के कुंचिकल झरना है। ये निडागुडू में स्थित है जो हुलिकल के निकट है। भारत का सबसे बड़ा झरना एशिया में दूसरा सबसे बड़ा झरना है। ये झरना बाहरी नदी से निकलती है। इस जगह का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम में है क्योंकि ये समय इस दौरान खूबसूरत और वास्तव में भव्य दिखता है। ये पर्यटक के लिए भी सुलभ है। यद्यपि झरने में यात्रा करने के लिए प्रतिबंध है क्योंकि मनी डैम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण होता है।